हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा कैनवस और हम यहां से अपने प्रोडक्ट को करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और पहले हम इसे हाइड कर देते हैं। देन हम सिलेक्ट करेंगे पेन टूल और यहां से हमारा सिलेक्ट होना चाहिए शेप और फिल को हम पहले ऑफ कर देते हैं। फिल पे आएंगे और यहां से हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहां से ड्रॉ करेंगे। और अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और यहां पे ड्रॉ करेंगे। फिल हम ये कलर ले लेते हैं, फिर से इसे कॉपी करेंगे और ऊपर वाले लेयर को नीचे कर देते हैं और इसे हम साइज थोड़ा से इंक्रीज करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम करेंगे रोटेट। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और सॉलिड कलर, देन ओके। और अब हमने इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल और हम पहले ले लेते हैं ब्राइट कलर एंड ओके एंड ओके। अगेन टेक अ न्यू लेयर और ग्रेडियंट टूल और इस बार हम थोड़ा डार्क लेंगे, कलर चेंज करेंगे एंड देन अप्लाई। फिर से हम इसे कॉपी करते हैं और एंगल हम चेंज करेंगे देन ओके। और अब हम इनको ग्रुप कर देते हैं और अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को हम पहले और डार्क कर देते हैं ये वाला। और एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहां से इस कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन टेक अ न्यू लेयर एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क और इस बार लेंगे ब्राइट और यहां अप्लाई करेंगे। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक और सॉरी क्लिपिंग मास्क और ब्राइट कलर हम ऐसे अप्लाई करते जाएंगे, ओपेसिटी कम करेंगे देन ओके। ये थोड़ा ज्यादा डार्क है तो हम इसे थोड़ा और लाइट करते हैं देन ओके। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहां से हम अप्लाई करेंगे बेवलन एम्बर्स। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपको साइड से व्हाइट कलर का दिख रहा होगा लाइन, तो हम पहले एंगल चेंज करते हैं परफेक्ट एंड ओके। और इस वाले पे भी अप्लाई करना है तो राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन बेवलन एम्बर्स और एंगल हमारा इस तरफ रहेगा देन ओके। और अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे ब्राइट कलर। इस लेयर की कॉपी बनाते हैं और नीचे वाले पे हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। और अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर और यहां से हम ले लेते हैं ब्राइट, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, डबल क्लिक ऑन द लेयर, ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर देते हैं एंड देन इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां पे भी हम राइट क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन बेवल एंड एम्बर्स,
एंगल चेंज करेंगे और साइज इंक्रीज करेंगे थोड़ा, वन ओपेसिटी कम करेंगे, देन ओके। अब अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएंगे, और इसके नीचे हम बनाएंगे एक शेडो, तो इसके लिए न्यू लेयर लेंगे और यहां से ले लेते हैं डार्क कलर। और अब हम एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, एडिट पे जाएंगे, फिल एंड 50% ग्रे एंड ओके। ब्लेंडिंग मोड हम कर देंगे ओवरले दोस्तों, यहां से हम क्लिक करेंगे बर्न टूल और नीचे हम डार्क करेंगे ऐसे। एक न्यू लेयर लेंगे और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर, और अब हम इस वाले कलर को चेंज करते हैं, ब्राइट कलर लेंगे, न्यू लेयर लेंगे और ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम डार्क एंड देन अप्लाई कलर चेंज करते हैं। ओके और अब हम इनको करेंगे ग्रुप, राइट क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ड्रॉप शैडो, एंगल चेंज करते हैं और डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे, साइज ओपेसिटी कम करते हैं, एंड ओके। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे ब्रश टूल और यहां पे लेंगे ब्राइट कलर, यहां अप्लाई करते हैं, एंगल सॉरी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, स्क्रीन ओपेसिटी कम करेंगे, एंड ओके। अब जो हमारे ये वाला ग्रुप है हम इसे कॉपी करते हैं और ड्रॉप शैडो ऑफ कर देंगे और साइज इंक्रीज करेंगे, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर ब्लर एंड मोशन ब्लर, एंगल चेंज करेंगे यहां से, देन फिल्टर ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, और अब हम एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, यहां से करेंगे क्लिपिंग मार्क्स और एक्सपोजर हम इससे कम करेंगे, गामा कोरेक्शन इंक्रीज करेंगे एंड लेयर ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हम इसे ब्राइट करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं। और अब हम इन सभी लेयर को करेंगे मर्ज, उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। देन ओके। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।